नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं कर्फ्यू लागू होने से केवल 3 घंटे पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अनुसार किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट से कवी की सुविधा रात 8 बजे तक रहेगी। इसी बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी काफी डराने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम यहां पर ये है कि आखिर जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है आपके हित के लिए कितनी पालना इसकी की जा रही है, कितने लोग सजग हैं, कितने लोग सतर्क हैं और कितने लोग लापरवाह। इसकी पूरी जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर राज्य सरकार ने प्रदेश स्तरीय वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया था। इसी की पूरी जानकारी लेने के लिए देचू क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता अर्जुन राज पुरोहित सिंह जुड़ चुके हैं। अर्जुन, देचू में क्या हालात हैं, कोरोना संक्रमण की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? जी, देचू सेक्टर में जो राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से 6 बजे से लेकर ये जो 2 दिन का जो कर्फ्यू लगाया था, तो लोग वास्तव में सतर्क नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। शुक्रवार शाम को 6 बजे से पहले ही पूरे बाजार बंद कर दिए थे और व्यापारियों ने ये प्रशासन को पूरा आश्वासन दिया था कि जो भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन होगी उसको फॉलो किया जाएगा और लोग वास्तव में सतर्क नजर आ रहे हैं। जी, तो किस प्रकार से सतर्कता बरती जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, कितनी जाँच की जा रही है? जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई है चालान बनाकर की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और जो लोग हैं वो बेवजह जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जा रही है और जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं लोग वही सिर्फ आवागमन कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आपने सेतरावा CHC के डॉक्टर से भी बातचीत की, क्या कुछ जानकारी दी उन्होंने, बताइए। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत की थी क्योंकि सेतरावा CHC सेक्टर है जो पिछले 4 दिनों में वहाँ पर 48 जो कोरोना के रोगी हैं वो पाए गए हैं। सेतरावा CHC सेक्टर है धीरे धीरे शेरगढ़ का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। कोरोना का जो लगातार ग्राफ है वो सेतरावा CHC सेक्टर में मिल रहा है। इसी को लेकर मैंने डॉक्टर माहेश्वरी जी से आज बातचीत की थी। डॉक्टर माहेश्वरी जी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण है, इनके जो लक्षण है वो नॉर्मल खांसी बुखार जैसे है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोग टीकाकरण अभियान चल रहा है, लोग टीका लगाए और थोड़ी सी भी खांसी जुकाम बुखार हो तो घबराए नहीं, तुरंत अस्पताल आए और जांच करवाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी संक्रमण ये जो बढ़ रहा है वो अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र में संक्रमण ज्यादा है, गुजरात, अन्य राज्यों से आए हुए व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सेतरावा चिकित्सालय की जो टीम है वो लगातार सैंपलिंग कर रही है प्रतिदिन और आज अवकाश के दिन भी सैंपलिंग का कार्य जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन अधिक जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार, आज मैं आपको सेतरावा CHC सेक्टर में लेकर आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर साहब ऋषभ जी, माहेश्वरी जी हमारे साथ में। सेतरावा में जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जो पेशेंट मिले हैं कोरोना के वो किस तरीके से लक्षण पाए गए और किस प्रकार से यहाँ पर सैंपलिंग होगी, पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर ऋषभ माहेश्वरी जी। सर, जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है सेक्टर में, तो जो पेशेंट मिल रहे हैं किस तरीके से मतलब लक्षण पाए जा रहे हैं उसमें, या फिर बिना लक्षण के भी पेशेंट पाए गए? दोनों तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, लक्षण वाले भी आ रहे हैं। एक्चुअली इसके लक्षण अब ये हो गए हैं कि बहुत सामान्य से लक्षण हैं इसके, हल्का सा बुखार, जुकाम, खांसी, ये सारे इसके लक्षण मिल रहे हैं। लेकिन कई मरीज हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से आए हैं, कोई बाहर से आया है, उन लोगों की भी सैंपलिंग कर रहे हैं और काफ़ी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करो। हल्का सा भी आपको बुखार, जुकाम, कुछ भी लगता है तो कोशिश करिए अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके जल्द से जल्द सैंपलिंग करा सके ताकि टाइम से आपको उपचार मिल सके। ठीक है, मेन सबसे ये है, सैंपलिंग सब जगह हो रही है। सैंपलिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होती है। ठीक है ना, आप नज़दीकी अस्पताल में देखिए अपने जितना जल्दी हो सके। अभी 45 से ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण भी चल रहा है। ठीक है ना, आप कोशिश करिए अपने घर वालों को, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये टीका लगा सके। टीकाकरण का ये फायदा रहेगा, बीमारी के जितने भी लक्षण हैं ना वो दब जाएंगे बहुत जल्दी। अगर बाई चांस आप पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो आप लोगों को इतनी सीवियरिटी नहीं होगी। जैसे अस्पताल अभी अस्पताल में मारामारी चल रही है, बेड्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है जो कंट्रोल हो जाएगी। अच्छे सर, जो कोई पेशेंट जो आए हैं वो क्या ग्रामीण क्षेत्रों से या कोई महाराष्ट्र, गुजरात,
अन्य राज्य से जो पेशेंट है वो यहाँ पर आके बहुत ही दिखाए। हाँ बिल्कुल, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है वो सबसे कॉमन आ रही है, कहीं कोई बाहर जा रहा है, घर से किसी के बाहर से आ रहे हैं, दिन दिहाड़ी मजदूर हो गए, खेती बाड़ी वाले लोग हो गए, दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, अब वो लोग किससे मिल के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ पता नहीं होती किसी को भी। तो ठीक है, हल्के से भी लक्षण आए।